आर्यमन से दूर होकर कृष्णा हुई इमोशनल। वापस आकर आर्यमन ने लिया कृष्णा के लिए स्टैंड। कल इस टीवी शो कृष्णा मोहिनी के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा, कृष्णा आर्यमन को समझाती है और कहती है कि सिर्फ मांग में सिंदूर भर देने से शादी नहीं हो जाती है, शादी का असली मतलब तो सात फेरों और वचनों में है। आर्यमन कृष्णा की बात समझ जाता है और आर्यमन कृष्णा की बात मानकर कृष्णा को छोड़कर चला जाता है। लेकिन आर्यमन से अलग होते हुए कृष्णा इमोशनल हो जाती है। कृष्णा की आंखों में आंसू होता है। जाते हुए आर्यमन को भी यही याद रहता है कि कृष्णा इमोशनल है, कृष्णा आर्यमन से अलग नहीं होना चाहती है। आर्यमन के जाने के बाद मंडप में मौजूद किसी बूढ़े इंसान से फिक्स कर दी जाती है कृष्णा की शादी। कृष्णा फिलहाल चुप है और वो कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो कुछ किया है, आर्यमन को जो आज़ादी दी है, उसकी सजा कृष्णा को मिलेगी। लेकिन आर्यमन वापस लौटता है और जो लोग कृष्णा के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। आर्यमन सबके सामने कृष्णा के लिए स्टैंड लेता है। देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सबके सामने मंडप पर आर्यमन करेगा कृष्णा से शादी। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।